ये हज़रत अब्दुल्ला आलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ारे अक़दस है, जिनको उर्फ आम में ख्वाजा अज़ीज़ मक्की रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि ये असहाबे रसूल में से एक है। और हज़रत बाबा फरीद बिन गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे अक़दस पर हाज़िरी देने से पहले यहाँ हाज़िरी देने की रवायत है, जो आज हम निभाने इधर आए हुए हैं। तो आपको मज़ारे है जी दरबार हज़रत बाबा फरीद सिंह गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह की जामे मस्जिद, जो फन तमीर का खूबसूरत नमूना है, बड़ी खूबसूरती से तमीर किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह के मार्ग का जायज़ा लेंगे और उनके मज़ारे अक़दस की आपको सैर करवाएंगे, जिन्होंने 1173 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक इस बरसगीर में इस्लाम की खिदमत की और इस्लाम की तबलीग करके इधर जो हिंदू आबादी थी उनको दायरा इस्लाम में दाखिल फरमाया। उनकी खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम थे वो उनकी तालीमात की बदौलत दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। तो आज हम आपके इदारे एक दस्तक सैद करवाएंगे और उनके बारे में माना ठीक था। बाबा फरीदुद्दीन गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह के प्रजंट थे, उनका मज़ार अक़दस है और रवायत है कि अवलीन आराम का हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह की है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह पहले यहाँ आराम करते थे और बाद में उनको नए मज़ार अक़दस में मुंतकिल किया गया। माशाल्लाह पच्चीकारी और का बड़ा ज़बरदस्त काम किया गया है इस ड्रम बारी को। ये हज़रत साबर कलियर श्री वाले का ड्रम बारिक है, इसे ड्रम बारिक सानी भी कहा जाता है। ये सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियर श्री वाले के नाम से मंसूब है और कहा जाता है कि वो इधर इबादत किया करते हैं। ये हैं जी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह का मुबारकात, जो उनसे मंसूब किए जाते हैं। अल्लाह मुबारक है, ये अखरोट और अंजीर और काट की रोटी और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, ये निशान अलम और जुबा मुबारक है और अलम मुबारक है, ये सारे कलीम मुतबरकात हैं।